इनके लब रंगी मिठाबल के जिसने पहनकर चमड़े की नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, बेल्ट बांधकर चमड़े की नमाज हो जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो नमाज के ताल्लुक से पहले से मौजूद है, यानी नमाज की प्लेलिस्ट में, वरना आप किसी भी वीडियो को इस तरह सर्च कर सकते हैं, जैसे सिकंदर वारसी अबाउट बेल्ट नमाज, इस तरह के अल्फाज जोड़कर वीडियो को सर्च किया जा सकता है। तो लोगों के दिल में शक्शुबा आता है कि चमड़े की बेल्ट होती है ना जानवर के, तो इसको अगर पहनेंगे तो उसमें, तो दरअसल ऐसा तो नहीं है किसी जानवर का चमड़ा हाथ हाथ उतार के पहन लिया हो, बाकायदा उसको एक प्रोसेस से पूरा गुजरना पड़ता है, धुलाई होती है, उसकी सफाई होती है, तो उसमें से हर किस्म की जो है ना नजासत और महक और बदबू वगैरह सब चली जाती है। तो जब चमड़े को उबाल लिया जाए, धो लिया जाए, साफ कर लिया जाए, तो फिर वो पाक हो जाता है, ऐसा हदीस पाक का मफहूम है। जब चमड़ा पाक हो गया अच्छी तरह सफाई कर लेने के बाद, तो फिर उसमें कोई हरज वाली बात नहीं, उसको आप बेल्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नमाज बेल्ट बांध कर भी हो जाएगी। और इसमें दूसरे मेरे ख्याल से शुबा ये जाता होगा कि उसमें लोहे का या स्टील का कुंडा लगा होता है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि फिर वो बेल्ट के ताबे, अलग से उसमें कुंडा नहीं होता, और बिना कुंडे या बिना बेल्ट के, कुंडे के बेल्ट वो होगी भी नहीं। तो इस तरह से अगर बेल्ट ज़रूरत है बांधेगा कोई, नमाज भी उसी बेल्ट में पड़ेगा, तो उसमें लोहा लगा होने की वजह से नमाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बेल्ट चमड़े की होने की वजह से भी नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार